तो नमस्कार, फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो यार दोस्तों, आज मैं आया हूँ किशनपुर गांव। बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ जो शिवलिंग प्रकट हुआ है ना, उसको हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। और साथ में पप्पू जी, पप्पू कहाँ गया, पप्पू। तो जैसे आप पीछे देखेंगे ना, तो ये है गाँव का प्रवेश द्वार। इसमें नहीं दिख रहा होगा तो मैं फ्रंट से आप लोगों को दिखाऊँगा। तो यहाँ का डायरेक्शन पहले आप लोग बता दूँ। देखिए, ये जो ए वाली रोड है, ये है आपका कसडोल वाली रोड। और ये जगह जो है कसडोल से लगभग 80 नहीं कहूँगा, कम से कम 40-45 मीटर दूरी पर है कसडोल से। और जैसे कि आप पीछे वाली रोड से आएंगे ना, तो ये है आपका पिथौरा। पिथौरा से लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ का लोकेशन इस तरह से हो जाता है दोस्तों। जैसे कि आप बलौदा बाजार से आना चाहेंगे, बलौदा बाजार से लगभग 80 किलोमीटर दूर में है। तो ये गाँव है किशनपुर। और यार अंदर में शायद खेत वेत में शिवलिंग निकला हुआ है। तो चलिए चलते हैं वहीं पे और दिखाने का आप लोग कोशिश करता हूँ कि कैसा है, कहाँ है और क्या हाल है। चलिए, तो दोस्तों ये है उसका प्रवेश द्वार, और ये है बलौदा बाजार वाली रोड, कसडोल बलौदा बाजार। और ये है पिथौरा वाली रोड। और जैसे कि इधर और रोड है, पता नहीं कहाँ गया है, और इधर भी एक रोड है। तो ये इस तरह से ये चौराहे में है ये रोड। तो चलिए चलते हैं फिर। तो इस प्रवेश द्वार से आपको प्रवेश करना है गांव के अंदर जाने के लिए। और उसके बाद ये कुछ भवन वगैरह बना हुआ है, ये पहाड़ हो गया। मैं इसलिए बोल रहा था दोस्तों कि इस गांव को पहचान की कोई मोहताज नहीं है, इसलिए बोल रहा था क्योंकि यहां पर ना लोगों का जो आना जाना है वो जबरदस्त है। मतलब एक प्रकार का माहौल जो देखने लायक होता है ना, वही देखने लायक है। और ब्रेकर भाई आराम से। तो ये मेन रोड है, बहुत बढ़िया बन गया है। रंगमंच निर्माण, मतलब मेन रोड से लगभग कितना, लगभग वही 1.5 किलोमीटर अंदर घुसना पड़ता है और उसके बाद फिर मिल जाएगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ और आप लोगों को दर्शन कराता हूँ। देखेंगे ना तो भाई साहब, ये सब देखने वाले श्रद्धालु हैं जो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सामने देखेंगे ना, तो लगभग हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो यार माहौल को आप अभी से देख सकते हैं, यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हैं और देखते हैं अंदर जाके। तो देखिए शुरुआत यहाँ से, ये सब गाड़ियाँ यही खड़ी हैं और लोग बाग जो अंदर में आ जा रहे हैं। भाई साहब, ये तो बिल्कुल मेले के जैसे माहौल है, और शायद तक हर रोज रहते हो गए यार ऐसी, है ना। तो देखो भाई, तो यार इतना भीड़ यार भाई साहब। तो यार यहाँ का भीड़ देखने लायक है भाई साहब, देख सकते हैं आप। और आज संडे है तो इतना भीड़ है, और कल सोमवार रहेगा ना तो और ज्यादा भीड़ रहेगा। अब देखना ये है कि अब अंदर में और कितना भीड़। तो चलिए चलते हैं। चलो भाई, चलो चलो बैठो। और ये प्रवेश द्वार जैसे कहते हैं ना, तो यहाँ से आपको प्रवेश करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ से जो है आपको प्रवेश करना है, और उसके बाद ना यहाँ से लगभग 0.5 किलोमीटर दूर तक आपको चलना है।
अगर आप मोटरसाइकिल से आ रहे हैं तो मोटरसाइकिल अंदर है और यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं अपने बस है या तो कोई भी गाड़ी है उसको। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी जो बाइक है ना वहाँ तक चले जाए। तो संभवतः चलना चाहिए यार, चला जाए। आगे में गाड़ियाँ दिख रही, मतलब हमारी बाइक भी चली जाएगी वहाँ तक। तो देखिए भाई साहब, आने जाने वालों की भीड़। तो इस तरह से आपको भीड़ दिखाई देगा यहाँ आने के बाद। हो जाओ तो देख रहे हैं ना भीड़ यहाँ पर बनाते ना मंत्री वंत्री यही स्कूल में रूम में। तो यहाँ का जो माहौल है दोस्तों यार देखने लायक है। अब हम लोग तो लगभग 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, तो आप अगर आसपास से हैं तो बिल्कुल आओ यार। तो देखिए जो भी गाड़ियाँ बाइक वगैरह अगर आप लाते हैं ना तो यहीं पे आपको खड़ा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ का माहौल, इस तरह से आपको जो है खेत के अंदर में आएंगे। तो चलिए दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप भीड़ देख रहे हैं ना यार, आपको दिखा रहा हूँ, देखो जूम करके ये देखिए, जितने भी देख रहे हैं सब दर्शन करने के लिए आए हैं। ये देखिए तो हम लोगों ने बाइक जो है पीछे में पार्क कर दिया है, अब चलते हैं आगे। तो भाई साहब यहाँ की जो भीड़ है ना वो देखने लायक है यार। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देखेंगे पूरा जितने दिख रहा पूरा भीड़ ही भीड़ है। तो भीड़ देख सकते हैं और इतने भीड़ है भाई साहब यार, मानना पड़ेगा यार। देखिए ये सब भीड़ है। हाँ लाइन लग गया। तो इस तरह यहाँ का माहौल है दोस्तों। उसके बाद अपने गाड़ी को जब पार्क करके आओगे ना तो वही 100-200 मीटर ऐसे पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद फिर अब लाइन लगाओगे, लाइन लगाने के बाद अब दर्शन कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग भी लाइन लगा लेते हैं, अब यहाँ तक आए तो देख लेते हैं। चलिए और दोस्तों फाइनली जो है 2 घंटे लाइन लगाने के बाद दर्शन हो गया। तो यार इतना भीड़ यार, और मेरे पीछे मैं दिखा रहा हूँ देखिए ये है नारियल। अब ना जाने अभी तक कितने भक्त आ चुके हैं और पूरा अभी क्लियर नारियल है यार, पूरा साफ सुथरा है, अभी खराब नहीं हुआ है। तो इस तरह यहाँ का दर्शन हुआ दोस्तों। तो ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।
वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नई जगह में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।